नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुक करते हैं खबरों की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नगर के मातबर गंज स्थित संस्कार शॉपिंग मॉल पर हर घर तिरंगा समारोह का आयोजन कर लोगों में तिरंगे का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सर्वप्रथम एक बच्चे को राष्ट्रीय ध्वज प्रदान कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद सांसद ने दर्जन लोगों में तिरंगे झंडे का वितरण कर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान के प्रोप्राइटर आशुतोष रुंगटा ने लोगों में देश सेवा करने का जज्बा पैदा किया। और क्या कुछ कहा सुनिए। ऐसा कहते हैं कि आतंकवाद का गढ़ रहा, हमने सुधार दिया, फिर कहां से आ गए? नहीं, देखिए, कहने का मतलब कि अगर आप देखते होंगे कि जब साबुन का एड दिखाता है कि सभी कीटाणुओं को धो डालता है, तो भी देखिएगा एक दो कीटाणु घूमता रहता है, 99.9 धो पाता है। तो एक आध जो रहता है, जो बचा है, वो भी हम लोग खींच के निकालेंगे, आप चिंता मत करिए। और आजमगढ़ में अब कोई आतंक के लिए पहचान नहीं है। और आप ये भी तो देखिए, आप तो ये भी कह सकते हैं ना कि ये देखिए हमारे सरकार की उपलब्धि है कि कोई घटना हो उसके पहले पकड़ लिया गया ना। पहले तो ये होता था कि कहीं ब्लास्ट होता था, उसके बाद उसके तार जुड़ते थे आजमगढ़, यही होता था ना कि यहाँ ब्लास्ट हुआ, उसका तार आजमगढ़ जुड़ रहा। अब ऐसा नहीं है, आजमगढ़ में या कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की अगर इस तरह की गतिविधि होगी तो उस पर पहले ही कार्रवाई हो जाएगी और कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। और कुछ राजनीतिक पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं, कह रहे हैं कि हम उनको वकील उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, वो उनका काम है, उनका काम है मतलब उनको सपोर्ट करना, हमारा काम है उन पर बुलडोजर चलाना। हम चलाएंगे, हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी लोग देखिए देश के विरोध में जो भी जाएगा उसके लिए हमारा देश अब तैयार है कि हम छोड़ेंगे नहीं। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई, उनको वैसी राजनीति करनी, वो सपोर्ट करें, उसके लिए वो उनका काम है, हमारा काम वो नहीं है। आजमगढ़ में एक प्रशासनिक शिथिलता देखी जाती है, किसी भी परियोजना के लिए अधिकारी बहुत नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, क्या कहेंगे? नहीं लेंगे तो उनको हम लोग अभी ठीक करेंगे, क्योंकि हम आए इसीलिए है ना, हमको जनता ने चुना इसलिए अपना प्रतिनिधि, कि जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी तभी तो हमको लाया गया कि अब हमारी बात पहुंचाइए। तो ऐसा अगर है तो हम लोग उस पर काम करेंगे। प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी चल रहा है। देखिए, जहां भी कुछ भी होगा, जनता अपना प्रतिनिधि इसीलिए चुनती है कि वो उनकी आवाज़ बन करके और खड़ा हो, जो भी कमियां हैं उस पर आवाज़ उठाए। तो हम लोग इसीलिए आए हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। सांसद जी, जैसे अगर आपसे कोई मिलना चाहे, आपके